बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला नहायत मेहरबान है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर यूनिट वन कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और आज हम उसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मालूम करेंगे। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह से किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर होता है कि रेसिप्रोकल नंबर जो है वो 1/8 है 8 का, ठीक है। रेसिप्रोकल नंबर इसी तरह जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द सेम आइडिया, बट इसको जो है ए सुपरस्क्रिप्ट -1 लिखते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इट्स रेसिप्रोकल वी गेट 1। जब हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 1। इसी तरह जब हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो मैट्रिक्स के लिए 1 के इक्वल है। तो सेम थिंग व्हेन द इन्वर्स कम्स फर्स्ट, है वही चीज़ लेकिन हम लिखते हुए इन्वर्स को पहले लिखेंगे। तो डेफिनेशन है, द इन्वर्स ऑफ ए इज़ ए माइनस 1 ओनली व्हेन ए एंड इनटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। Sometimes there is no inverse at all. Sometimes हम inverse find out नहीं कर सकते। तो ये example है 2×2 matrix की। तो अब हमने इसका inverse find out करना है, तो पहले हम A और D को swap करेंगे और फिर B और C के ऊपर negative sign लगाएंगे in front of, और फिर उसको determinant से divide कर देंगे। For example, ये हमारे पास left side पे एक matrix है, हमने इसको जो है वो स्वाप ए एंड डी, ए की जगह हमने डी की वैल्यू लिख दी और डी की जगह ए की। उसके बाद हमने पुट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ बी एंड सी, उसके बाद हमने बी और सी के सामने जो है वो नेगेटिव साइन लगाए। देन नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद हमने उसको डिवाइड एवरीथिंग बाय डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का आपको पता है कि ए डी माइनस बी सी, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमने उसके डिटर्मिनेंट्स लेके उससे उसको डिवाइड करना है, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई किया 1/10 से। अब हमने इस मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है थर्ड में। अब हम जो है वो देखते हैं कि हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट भी है या नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि हम इसको ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो अब आप देखें कि ये हमने प्रूव किया है। अगर आप जिस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो वी सो आवर आंसर इज़ राइट। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप ज़िंदगी में अगर हैप्पीनेस चाहते हैं तो जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे पड़ना पड़ता है, यानी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए आज से मेहनत शुरू करें। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह से दुआएं बहुत ज़्यादा मांगें। वैसे तो अल्लाह बग़ैर मांगे हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जब तक आप कदम नहीं उठाते आप उसी जगह पर खड़े रहते हैं, तो आज से जो है वो आज से ही हर काम टाइम पे रोज़ाना करने की आदत डालें। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अब हमें कैसा इल्म चाहिए, मैथ्स तो हम सीख रहे हैं, उसके साथ वो इल्म भी चाहिए जो हमें सीधा रास्ता दिखाए, खुशी का रास्ता दिखाए, सच्चा रास्ता दिखाए, और वो हमें सच्ची और असली कामयाबी कुरान मजीद ही बता सकता है। क्योंकि ये रब्बे कायनात का तारुफ है, अल्लाह कौन है, मुझे अल्लाह से कौन कौन सी दुआएं मांगनी है, अल्लाह से कौन सी उम्मीदें रखनी है जो कि सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है, मेरा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। तो आज से ये जानने के लिए कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना लाजिम कर लें और रोज़ की 3 आयात कम अज़ कम पढ़ें। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो हम इसको सोलूशन इज़ पॉसिबल। तो पहला स्टेप ये है कि हमने ए और डी को स्वाप किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है पुट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ ए बी एंड सी, तो जो है उसके बाद हमने जो है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट्स जो है
उनसे इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास 1/-6 आ गया और उससे हमने जो है इसको सॉल्व किया। अब हमने वेरीफाई करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द ए इनवर्स, और ए को मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आया। तो इसका मतलब है हमारा जो हमने निकाला था आंसर वो बिल्कुल सही था। ये वेरिफिकेशन होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू गेट एट द एंड। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखें कि ज़ीरो को तो इस ये नॉन सिंगुलर है तो ये भी इट कैन बी सॉल्व, ठीक है, 1 आया इसका। और इसी तरह हम पहले स्टेप में जो है वो स्वाप करेंगे ए एंड डी, फिर हम पुट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ बी एंड सी के साथ तो किया हमने, और फिर उसके बाद इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 1 है। तो आपको पता है कि 1 को जब 1 से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि हम बी को और बी के इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास एंड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही आंसर फाइंड आउट किया था। अब आप देखें कि आप थर्ड है तो इसमें हमने इसका पहले जो है वो डिटर्मिनेंट निकाले तो ये 0 आया, तो इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।